नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले गोमे पर्टिनी जौनपुर में। इसके तीन फीचर बताऊंगा शुरुआती में जो आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके बाद देखना फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कॉलेज मुझे सही लगा। आप देख रहे हो कौन से ये लेक्चरर है फिजिक्स के, मिस्टर विनय कुमार शुक्ला। खास बात क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है कि फ्रेंड्स ये टीचर जो है, जब कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई करने को नहीं मिल रहा था, तो कुछ टीचर्स थे जो मतलब ऑनलाइन आए, बाकी टीचर्स तो मतलब काम ही नहीं करना चाहते थे जैसे, तो वो लोग तो पीडीएफ सेंड कर रहे थे सिर्फ। वो भी कितना आसान होता है पता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना और टेक्निकल इश्यूज का सामना करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मिस्टर विनय कुमार शुक्ला सर ने, मतलब ये आप यकीन नहीं करोगे, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और बाकी सारे ब्रांचेस जिसमें है अप्लाइड फिजिक्स टू, और फ्रेंड्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ऑफकोर्स ये बात करते हैं हर वक्त एंटरप्रेन्योरशिप और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की। तो फ्रेंड्स ये टीचर पढ़ा रहे थे, सोचिए जौनपुर, जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, जिसमें अगर आप जौनपुर चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पूछोगे भाई गोमे पॉलिटेक्निक जौनपुर कहाँ है, तो वो बोलेंगे प्रसाद एक है जानता हूँ लेकिन गोमे पॉलिटेक्निक नहीं जानता। आप यकीन कर रहे हो वहाँ पर कि लोग नहीं जानते गोमे पॉलिटेक्निक जौनपुर। ऐसे आप लखनऊ भी चले जाओगे, गोमे पॉलिटेक्निक लखनऊ के बारे में कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कम जानते हैं। है पॉलिटेक्निक चौराही नाम से एक जगह है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ चलिए ये पॉलिटेक्निक के पास ही है कहीं होगा, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यार, वहाँ तो चलो हाँ थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा और आप ढूंढ लोगे, यहाँ पर आप गूगल मैप भी फेल हो जाता है कभी कभी। मैं बहुत सच कह रहा हूँ यार, हम लोग खुद ढूंढने गए थे और बहुत सारी जगह पे, एक था सिरसी, सिरसी कोई जगह नाम है संत कबीर नगर शायद, वहाँ पर आप मेरे दोस्त और मैं गया था उसका एडमिशन कराने, तो भाई यकीन नहीं करोगे हम किसी ऐसी जगह पहुँच गए यार, मतलब जहाँ जाना था उत्तर पहुँच गए दक्षिण, और पहुँच गए ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें दिख रहा था एक वो जो होता है ना घर घास से बना हुआ, मतलब वो हरी घास से हरी घास नहीं सॉरी यार, ये जो पीली घास के घर बने होते हैं वो दिखी मुझे, तो मैंने कहा यार ये क्या है। और फ्रेंड्स ये सर मतलब गोमे पॉलिटेक्निक जौनपुर के जो पढ़ा रही है मुझे, अब दूसरा फीचर बताता हूँ। दूसरा फीचर देख रहे हो, गोमे पॉलिटेक्निक जौनपुर की वेबसाइट कैसी है, आपको यहाँ तीन ही ब्रांचेस दिखेगा, कौन सा पता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आपको दिखेगा कंप्यूटर साइंस, एक फार्मेसी, जिसकी वजह से यहाँ पर कम बच्चे होते हैं, कम बच्चे मतलब अच्छा जगह, और अच्छा जगह मतलब कम अच्छे खासे थोड़े बहुत टीचर्स भी होंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों, टीचर्स जब होंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी यार, मतलब अगर टीचर्स ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और लिमिटेड नहीं मतलब होंगे, पर्याप्त टीचर्स होंगे तो आपको पढ़ाई होगा। जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ बाकी कॉलेजेस, मैं बड़े बड़े कॉलेजेस से ही कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, वहाँ के वर्कशॉप टीचर्स नहीं है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो वैसे ही फ्रेंड्स, अब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ आपको सच बता रहा हूँ कि यहाँ पर वर्कशॉप भी होता है, वैसे इनका वर्कशॉप ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना, इनके में ज़्यादा काम नहीं होता। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब चाहिए वो है यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस का लैब चाहिए है, कंप्यूटर्स काम करते हैं वहाँ के, कंप्यूटर्स देख लो कितने काम करते हैं और यहाँ के कितने, यहाँ के अच्छे खासे काम कर रहे हैं। तो अगर आपका कम रैंक भी है ना, टेंशन मत लेना, इस कॉलेज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त का कम रैंक था एक्चुअली, हो गया होगा कोई दिक्कत जिसकी वजह से मार्क्स नहीं जा पाया अच्छा, तो बंदे ने लेकिन क्या वो पता है, गलती से एक साइबर कैफे वाले ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर डाल दिया था, बोला था भाई मैं तेरा डाल दे रहा हूँ ऐसे ही, और इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया। फिर बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, उसको एक्चुअली थर्ड राउंड था, कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, ये दिक्कत थी, मतलब कॉलेज बहुत मिले थे लेकिन उसके पसंद के नहीं मिले थे, तो और बहुत दूर भी थे, और बहुत ऐसी जगह पर जहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था वो कॉलेज है, मतलब अजीब ही जगह था, मतलब जैसे हम कहाँ पहुँच गए, बहुत रेगिस्तान में पहुँच गए, फिर रेगिस्तान से एक कॉलेज आता है रेगिस्तान में वो आपको, तो ऐसे कई कॉलेजेस में गए थे। आपको यकीन नहीं होगा, जौनपुर का कॉलेज हम जब गए वहाँ भी ऐसे ही दिक्कतें हुई, पता ही नहीं कहाँ पर है, और बहुत सारे लोग प्रसाद के बारे में जानते थे, जौनपुर के इस कॉलेज के बारे में नहीं, वहाँ के लोग ही। और फ्रेंड्स यहाँ पर पता चलता है कि देखिए यार कितना मतलब अच्छा है, मतलब प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, बाकी चीज़ें वर्कशॉप हो रही है, और ये कॉलेज में कम रैंक में मिल जाता है, लेकिन कोई लेना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, जो गलती से पहुंच गए तो पहुंच गए। यहाँ पर अब रैगिंग का मामला थोड़ा कम होता है, हाँ ये होता है, लेकिन ये देखो खास बात है, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में मेरा दोस्त बता रहा था कि भाई घास जब साफ करते हैं ना ग्राउंड की, तो ये अपना काम है क्योंकि कॉलेज अपना होता है, तो वहाँ के सीनियर्स भी करते हैं साथ में, लेकिन अगर आप कई और कॉलेजेस में जाओगे ना तो वहाँ पर सीनियर करवाते हैं, और ऐसे करवाते हैं ना
कि आप यकीन नहीं करोगे, गुस्सा आ जाएगा। मतलब साला काम करवाना, नौकर है क्या हम तेरे? मतलब ऑफ कोर्स यार गाली देके काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट स्किल नहीं है उनके पास, और वहाँ के टीचर्स ऐसा करवाते हैं अजीब। मतलब उनको वाइट कॉलर और ब्लैक कॉलर का वो पता है कुछ। ये वाइट और ब्लैक कॉलर वाले ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब वो वाले कॉलर क्या कहते हैं उन्हें, जो ऊपर बैठे हुए हैं बस, कुछ काम उन्हें नहीं, उन्हें बस भाषण देना आता है, फिलोसफी। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बता दी जो आपको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन ये कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा लगा होगा कि कम ब्रांचेस है, अच्छा जगह है, सीनियर्स भी अच्छे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि जहाँ तक मेरे दोस्त ने भी बताया है। इसके बाद वहाँ के हॉस्टल भी ठीक ठाक है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मैं ये खुद मानता हूँ, क्योंकि हर कॉलेज की मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस, जो बहुत सारे कम कॉलेजेस में ही होता है, तो इस कॉलेज में भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा, हाँ मतलब कहीं ना कहीं ठीक है। इसके बाद फिल्टर का पानी भी है, जिससे पानी का प्रॉब्लम ख़त्म है। मतलब गोरखपुर में पानी की प्रॉब्लम है यार, लखनऊ में तो चलो फिल्टर है वहाँ भी, जिसकी वजह से पानी की प्रॉब्लम नहीं है। ना तो आप देखोगे ना यार बालू निकलता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हॉस्टल का पानी वहाँ का शायद प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पर फिल्टर नहीं लगाया गया अभी तक। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती में फ़िल्टर लगा दिया गया है हॉस्टल में, और लेकिन यहाँ जौनपुर में भी लगा दिया गया है, खुशी की बात है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें, हाँ यहाँ का थोड़ा बहुत ये गांव एरिया टाइप में है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता है क्यों यार, मतलब खुद बताओ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैंने लखनऊ के बारे में क्या बताया था, कि इतना शोर शराबा इलाके में है कि आपको खुद मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शांति इलाके में है, जहाँ पर ढाबे के पास है, हाँ आपको थोड़ा दूर जाना पड़ जाता है, ये मैं मानता हूँ, शहर से मतलब शहर के पास जाना पड़ जाता है, लेकिन ये है कि इस जगह सही है यार। आप कहोगे कि हाँ यार बहुत कुछ करने लायक है, आप कुछ नया कर सकते हो, और जैसे कि यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें तो मिल ही जाती है, आसपास में पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, और रोड्स थोड़े बहुत डेवलप हो रहे हैं, मतलब जब हम लोग गए थे तो वहाँ बन रहा था रोड, तो ये खास बात है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आई होप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में ज़्यादा बता दिया है मैंने, लेकिन और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ के टीचर्स भी ठीक है, यहाँ के बच्चे भी ठीक है, यहाँ पर आपको वर्कशॉप भी अच्छी होती है, इसलिए कम रैंक है तो बिल्कुल ये लो, बिल्कुल मैं तो कहूँगा। फिर यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, हाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट का थोड़ा मुझे पता नहीं, प्लेसमेंट का आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन हाँ इतना नॉलेज ये लोग दे देते हैं ना कि प्लेसमेंट आप खुद ले लोगे जाके वो कॉलेज में। जैसे बस्ती में क्या होता है, रिक्रूटमेंट सेल नहीं है वहाँ पर, मतलब वो जो कैंपस प्लेसमेंट है वहाँ पर जो टीचर संभालता है वो डायरेक्ट आपको बोल देता है कि जाओ इस कंपनी में और करवा लो। वैसे आपको इस कंपनी में डायरेक्ट जाना होगा, मतलब कोई इंटरव्यू शायद लेने नहीं आता होगा, ऐसा मेरा दोस्त ने बताया। अब आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे। तो इतना चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, और फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। ध्यान रखिए यार, कोई कॉलेज छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छी है तो वहाँ पर जाने लायक है। तो जौनपुर वैसे ही है मुझे लगा, यहाँ पर कोई भी ब्रांच, खुशी की बात क्या है पता है, ये कॉलेज का इतना नाम क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूँ ये कॉलेज का इतना नाम क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहला कॉलेज है जहाँ पर डी फार्मा है, पहली चीज़ बताता हूँ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कोई मैकेनिकल सिविल नहीं है, तो जिसकी वजह से ना इस कॉलेज का ज़्यादा नाम नहीं है। लेकिन मैं सच्चाई बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का फ्यूचर है, ना कि गवर्नमेंट जॉब्स का। तो ध्यान रखिएगा, मैं ये बात सच कह रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। बाय फ्रेंड्स।